थाना मंझोला अंतर्गत अखबार फैक्ट्री के पास रहने वाली नगमा पत्नी शादाब द्वारा मंझोला पुलिस को एक तहरीर दी गई, जिसमें कहा गया कि उसके बहनोई आमिर से आलम पुत्र असलम की किसी बात को लेकर आपस में कुछ कहा सुनी हो गई थी। इसके बाद मेरे बहनोई आमिर हमारे घर पर मोहल्ला पीर का बाजार बड़ी मस्जिद पर आ गए थे, जिसके बाद मोहल्ले के ही आलम के पिता असलम पुत्र इशाक, अकरम पुत्र इशाक, मोहम्मद बिलाल पुत्र रईस व आलम आदि ने मेरी माँ के घर में घुसकर मेरे पति शादाब पुत्र शराफत हुसैन से घर में घुसकर झगड़ा करने लगे और गालियाँ देने लगे। पीड़ित द्वारा दी गई तहरीर के मुताबिक मेरे बहनोई आमिर को घर में तलाश करने लगे और मेरे पति द्वारा मना करने पर आलम के पिता व चाचा आग बबूला हो गए और मेरे पति को पकड़ते हुए उन पर धारदार हथियारों से हमला बोल दिया और मेरे पति को जान से मारने की नीयत से उनकी गर्दन पर वार कर दिया। दूसरे वार को बचाते समय उनके दोस्त तनवीर ने रोका तो तनवीर के हाथ में चाकू लग गया। झगड़े के बीच बचाव में मेरे पिता, पति व उनके दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गए। हमने झगड़े की सूचना स्थानीय पुलिस चौकी को दी, जिस पर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पीड़ित नगमा के पति की गंभीर हालत देखते हुए उसे भर्ती कर लिया गया। बाकी लोगों को प्राथमिक उपचार करके उन्हें वापस भेज दिया गया। पुलिस द्वारा पीड़ित की दी गई तहरीर के आधार पर आरोपी आलम, असलम, अकरम, बिलाल पर थाना मंझोला पर IPC धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके कार्यवाही शुरू कर दी गई है। इस बारे में जब पीड़ित से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मेरा नाम नगमा, नगमा नाम है मेरा, ये मेरे हस्बैंड है। घटना ये हुई है सर, मैं अपने घर जा रही थी तो वहाँ पता चला कि मेरे भनोई की लड़ाई हो रही थी, तो वहाँ से हम बीच बचाव कराने के लिए जो घुसे तो उन लोगों ने मेरे शौहर पर जानलेवा हमला कर दिया एकदम से। उनके पास छुरी, चाकू और जो बिरयानी के उनके खाना बनाने के पलटे वगैरह होते हैं उससे उन्होंने बहुत ख़तरनाक हमला करा। उन्होंने, मैं बीच में घुसी अपने शौहर को बचाने के लिए, उन्होंने मेरे गिरमान पर हाथ डाला, मेरा बुरखा वुरखा सब फट गया, मेरी चैन गिर गई है उसमें, उसका भी पता नहीं चला, फ़ोन गिर गया, फ़ोन तो खैर मिल गया उनका, लेकिन उन्होंने बहुत ख़तरनाक हमला करा। मेरे भाई को, एक को बहुत बीमारी है कैंसर की, उसे भी मारा, मेरे छोटे छोटे भाई हैं, मेरे पापा को मारा उन्होंने और इनके गर्दन पे छुरी मारी उन्होंने, एक बार मारी तो 60 टाके आए हैं इनके, और दूसरी बार जो मारी तो इनके दोस्त ने पकड़ ली छुरी, जिसकी मैं उनके हाथ की 4 उंगलियाँ कट गई हैं, बहुत गहरी, बहुत खून बहाया उनका और बहुत ख़तरनाक हमला कराया उन्होंने। वो लोग, ऐसा हुआ हमारे मोहल्ले के ही हैं बिरयानी वाले, 2-4 दुकानें हैं उनकी आपस में, बड़ी मस्जिद में, पीर के बाज़ार के पास, बड़ी मस्जिद के पास वहीं पर हैं उनकी दुकानें, मेडिकल वाले हैं। झगड़ा जो बिरयानी वाले हैं, मैंने उन्हीं से बिरयानी लेने के लिए गए थे मेरे भिनोई, जाम लग रहा था वहाँ पर, वो बोले कि यहाँ से बाइक हटा लो अपनी, बोला अभी रुक जाओ आगे जाम लग रहा है, तो उस पर उनकी कोई कहा सुनी हुई होगी, बहस हुई होगी, बहस में उन्होंने हाथ छोड़ दिया बिरयानी वालों ने, उनके सारे जो पड़ोसी में दुकान थी आपस में वो सब आ गए, उन्होंने हमला करा उन पर, मारा पीट करी, मेरे घर पर पहुंच गए सरिये डंडे लेकर, घर पर कोई नहीं था, लेडीज थी, मेरी बहनें वहनें थी, वहाँ पर उन्होंने हमला करा, गाली गुफ्तारी करी, बहुत बदतमीजी करी हमारे साथ, मेरे शौहर पर हाथ उठाया उन्होंने जी। पुलिस में मैंने रिपोर्ट लिखवाई है, पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी है और पुलिस अपना काम बिल्कुल ठीक नहीं कर रही है। इसमें मेरे पैसे भी उठ चुके हैं, कम से कम 15-20 हज़ार रुपये मेरे ही शौहर का खून बहा है और मेरे ही पैसे उठ चुके हैं, लेकिन पुलिस ने अपना काम बिल्कुल ठीक से नहीं किया है और उन लोगों को मैंने सुना है छोड़ भी दिया है उन्होंने जमानत पर, जिसमें 3 धाराएँ लगी हुई हैं इनके ऊपर और पता चल रहा है कि वो लोग छूट गए हैं जी। अब पुलिस अपना काम नहीं कर रही है, हम कल कप्तान साहब से मिलेंगे जाकर, वहाँ जाकर उन्हें पूरी घटना बताएँगे, अपना हाल बताएँगे और उन्हीं से बात करेंगे। मैं यही चाहती हूँ कि मेरे शोहर को जो है न्याय मिले, जो उनको चोट लगी है, इतना खून बहा है, कम से कम उन लोगों को सज़ा हो, मैं यही चाहती हूँ, ताकि आगे और किसी और के साथ वो इतना ख़तरनाक हमला ना करें उस पर, क्योंकि हम तो बीच बचाव के लिए गए थे जो उन्होंने ऐसा हमला कराया हम पर।